नाम मोहम्मद इसराफिल है जी। मैं यूपी के कुशीनगर जिले से हूँ सर। कुशीनगर जी सर। क्या प्रॉब्लम था सर? ये लाइपोमा छोटे छोटे जो यहाँ कुछ बड़े बड़े थे कमाते थे बड़े, जो कि देखने में थोड़ा गंदा लगता था लगता है। तो हमने आपको सर वीडियो देखा था वो पहले से, अब देखते आ भी रहे हैं सर। और लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पा रहे थे कोरोना काल की वजह से। तो सर टाइम मिलने पे आपके पास आए, मौका मिला मिलने का, और बहुत ही बेटर फील हो रहा है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है उसको, पहले से फिट है। कब से चल रही थी प्रॉब्लम ये सर? लमसम 6-7 साल से। क्या फील होता था, दर्द होता था या कोई आपको सोशली कुछ फील होता था, थोड़ा अलग लगता था कि मैं कोई अजीब सी चीज है बॉडी में, या कोई और डर लगता था कि ट्यूमर है या कुछ है, क्या रहता था माइंड? एक बार मतलब कैंसर वगैरह का मतलब हमें मतलब डर लगा था, किसी ने बताया था गांठ में दिक्कत आ रही है। तो एक बार हमने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर भी बोले थे कोई घबराने की बात नहीं, नॉर्मल गांठ होती है, ये ठीक हो जाएगी। फिर सर आपके वहाँ आए, आपका पता मिला, जब आगे भी बुक करा। तो कैसा रहा जो मन में डर था? मैं तो पता नहीं क्या होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, बाकी तो आपने देखा था लोगों से, आपने बात भी की हुई होगी। ठीक है सर, कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा डर लग रहा था स्टार्टिंग में और इस वक्त ठीक है सर। कितने लगभग वहाँ थे सर? 53 या 54। अच्छा, और कुछ तकलीफ इसके निकालने में या खुद को अपने आप को कोई प्रॉब्लम फील सर? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इसके लिए दवाई भी करी थी कोई आपने? जी सर। क्या क्या दवाई खाई थी सर? कल के लिए कार दिया था गोरखमुंडी में क्या होता है? एक सर छाल होती है उसकी पाउडर, तो एक दो महीने में लिए थे सर उसका। और उसके बाद से सर क्या बोलते हैं, एक और दवा आती है वो लिए थे सर। तो कुछ फायदा मिला उनसे? कुछ फायदा मिला। होम्योपैथी कितने देर करी थी सर? 5-6 महीने। 6 महीने के आसपास। और इनके कोई साइड इफेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं लगी? ऐसा तो नहीं लगा कि दवाई ली और बढ़ गए? हाँ सर, होम्योपैथिक में थोड़ा सा मुझे बड़ा दिखा था, होम्योपैथी खाने के बाद बढ़ गया था। इतनी दूर से आ रहे हैं, कोई अपने मन में जो डर वगैरह थे ऐसी कोई चिंता की कोई बात तो नहीं लगी आपको? यहाँ आके कैसा लगा? अच्छा लगा सर, बहुत बेटर। वैसे तो आप काफी कॉन्फिडेंट थे, पर कुछ लोग डरे हुए भी आते हैं, उनको तो पता नहीं क्या होगा, इतने दूर से जा रहे हैं, सही है क्या नहीं है। सर आप पे भरोसा था मुझे। मेरे कॉन्फिडेंस का बहुत पहले था, क्लियर क्लासेस हम लोग क्लासेस करते थे। क्लासेस चले गए, मैं यूट्यूब चल गए सर, यही सर है या अपने इंग्लिश कराना है, क्लासेस चल रहा है, फिर भी क्लासेस में फोन करते। काफी दिनों से ही मतलब आपके पास आना चाहते थे, मतलब इनको बिलीव था आपके ऊपर, वही चलना है। चलो मेन काम तो अपना हो ही गया, इम्पोर्टेंट जो कमर में थे वो भी खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट समय जब भी कोई दिक्कत होगी सर? हाँ नहीं, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होनी, कोई दूसरे अगर जी, मतलब में जो बॉडी में जो अगर आपके कुछ फ्रेंड्स में भी थे आप कह रहे थे, आपके दोस्तों को भी और रखे, मैं उनको भी रिकमेंड करूँगा सर। आपने डॉक्टर आशीष भनोट को यूट्यूब में देखा था, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे डॉक्टर भनोट के, तो उससे कंपैरिजन आपको इनसे मिलके कैसा लगा? जैसा आपने देखा था वैसा ही लगा, क्या सोच के आए थे? कि सर से मिलेंगे और अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे, और सर से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है जी, इनकी तारीफ की जाए नहीं कम। मैं सर से डॉक्टर साहब का नाम सुन रहा हूँ हर समय, ग्राउंड में बैठिए कहीं बैठिए सर का नाम लेकर चलना है। हम लोग तो बिफोर लॉकडाउन में हम लोग आ गए होते हैं, लॉकडाउन को ऐसे